बीजेपी ने ये सीट जीत ली। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, लाखों लोग जो सूरत में रहते हैं उनका लोकतांत्रिक अधिकारों से इस तरीके से छीन लिया गया। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ। बीजेपी ने 10 सीटें ऑलरेडी जीत ली वहां पर इलेक्शन होने से पहले ही। और इस खबर को देखो, जहां पर दिल्ली में चुनाव हारने वाले थे उन्होंने इलेक्शन ही नहीं होने दी एमसीडी की। इससे पहले चंडीगढ़ की इलेक्शन में सीधा सीधा फ्रॉड करने की कोशिश करी गई थी बीजेपी को जिताने के लिए। मतलब समझ रहे हो आप इस सबका दोस्तों, जो पहले चंडीगढ़ में हुआ, जो आज सूरत में हुआ, वो कल पूरे हिंदुस्तान में होगा अगर इन्हें इसी तरीके से जीतने दिया गया तो। वन नेशन वन इलेक्शन तो सिर्फ दिखावे का फंडा लगता है। अगर देश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो यहां पर जल्द ही वन नेशन जीरो इलेक्शन होगी। चुनाव होने से पहले ही बीजेपी के कैंडिडेट्स जीतते जाएंगे। क्या आप ऐसा देश देखना चाहते हो जहां पर इलेक्शन के कोई मायने ही ना रह जाए? इस चुनाव में दोस्तों हमें अपनी पूरी जी जान लगानी होगी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। मैंने तो अपना पूरा करियर यहां दांव पर लगा दिया है, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं देश को ऐसी हालत में गिरते नहीं देख सकता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। तीन स्टेप्स मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा। स्टेप वन, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। इसका लिंक इस क्यूआर कोड में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर ये लिंक आपके लिए खुल नहीं रहा तो व्हाट्सएप ऐप को अपडेट करो अपने फोन पर। चैनल ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन दबाओ नोटिफिकेशन का। हमारा मिशन है 100 करोड़। हम व्हाट्सएप पर एक ऐसी आंधी लेकर आएंगे सच की, इनका ये पूरा व्हाट्सएप माफिया दब जाएगा। स्टेप टू, वोट करना मत भूलना। वोट करना बहुत बहुत जरूरी है। अपने परिवार में, अपने दोस्तों तक ये चीजें पहुंचाओ। और स्टेप थ्री, जितना आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हो करो। वीडियोस बना के करो या घरों से बाहर निकलो, गांव में जाओ, मोहल्लों में जाओ, सड़कों पर घूमो, लोगों तक ये संदेश पहुंचाओ कि देश कितना खतरे में। मुझे नहीं पता अंत में हमारी ये कोशिश सफल होगी या नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है मुझे, मैं अपने आप पर हमेशा गर्व करूंगा कि मैं चुप नहीं बैठा रहा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आखिरी दम तक कोशिश करी। जय हिंद।